ಜನಾನಿ ಧರ್ಮಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮಿ ದೇವರಾಗಿ ಮರತಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪ हम किसी को नहीं बताना भी रहे उनका सेवा हम करते समय उनके तरफ से हम हर साल में नौ दिन का पूरा मोस्ट आप पे आए अपना हाँ। आपका नाम सर शांताया स्वामी अभी जो हर साल कुछ चेंज होता आपकी बार अलंकार में क्या पहले एडवांस प्लानिंग करे थे सर हमारा अलंकार का प्लानिंग एक साल पहले ही होता और हमारा पूरा तैयारी कम से कम छः महीने पहले से हमारा अलंकार का तैयारी चालू हो जाता। इस बार का जो विशेष अलंकार करे इस बार अधिक श्रावण और श्रावण मास एक के पीछे एक आया ऐसा 270 साल के बाद ऐसा योग बना इसलिए जो है इस बार अलंकार जो है अर्धनारेश्वर स्वरूप का अलंकार है ऐसा वर्णन है पुराणों में कि शिवा पार्वती विश्व भ्रमण के लिए निकलते ऐसा अधिक श्रावण और श्रावण मास का जब योग बनता और जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर है द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भगवान जो है विश्राम के लिए ठहरते महाराज जी भ्रमण का विश्राम के लिए ठहरते और जब विश्राम के लिए ठहरते जो भक्त अर्धनारेश्वर स्वरूप का यहाँ पर जो मूर्ति में हम जो अलंकार करें आए सो भक्तों को पूरा अर्धनारेश्वर स्वरूप का आशीर्वाद प्रदान होना सबको शिवा पार्वती का आशीर्वाद मिलना यही सोच के संकल्प से जो है अर्धनारेश्वर स्वरूप का अलंकार इस साल हम किए आज के हम निकिता फर्नीचर्स के जो मालिक है यहाँ पर हर साल आते हैं और बहुत शक्ति भक्ति से माँ को दर्शन करते हैं इनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं सर आप कितने साल से अच्छा सर जय भवानी माता की जय इल्ली नानु कम से कम ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳದಾಗ ಚಕ್ರ ಭಜನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಈ ಭೀಮನಗರ್ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹಿಮಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಪಾರೆ ಸಾಹೇಬರ್ ಇದ್ರು ಸಪಾರೆ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಚೆಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಪಾರೆ ಸಾಹೇಬರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇನ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಭವಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಇಷ್ಟು ಶರಣರು ಓಕೆ ನಾನು ಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡ್ರೆ के बड़े बेटे हैं इनू और यहाँ पर जो है इनू बेंगलुरु में डॉक्टर है छोटे बच्चों के इलाज करते हैं बहुत अच्छा नाम है इनका इनसे बात करते हैं मंदिर बेंगलुरु से मंदिर का दर्शन करूँगा सर आपको कैसा लगा सर बेंगलुरु से मंदिर को आने के लिए दुर्गा माता भवानी माता दर्शन बट डेवलपमेंट नोड़े तुम संतोष आगे टेंपलोस्क सुमार वर्ष निरंतर प्रयत्नदी टेंपल इन भव्यवाद आशे और तुम श्रम पटिंगे वो रूप स्वरूप पटिद्व अदादले युवा सपूर साड़ी समाज मंडली नम सुनवर जो संघटर श्रम आमले तेक मंदिर के वे स्वरूप को धन्यवाद धन्यवाद सर आपके पिताजी कितने साल मंदिर में कहाँ सेवा करें सर मंदिर का उन्होंने बचपन से हम जब छोटे थे हमारे पिताजी ये मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था वो भागलपुर जाके एक मूर्ति रात में जाके सिर्फ मूर्ति ये लेके जाके वो पहन के वो पूरा मूर्ति लेके अगर स्थापना किए थे वो समय में उनमें जो चोर जुनून और भक्ति थी वो आज भी मेरे नज़र में और ये जिस तरह से स्थापना हुआ था ये मंदिर वो याद है उसके बाद
भी उन्होंने निरंतर प्रयास करके इस मंदिर के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छा स्वरूप निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। नहीं, आपके पिताजी छोटे से मंदिर बनाया सर, ये छोटी मंदिर बड़ी मंदिर बन गई सर। अभी जो है बीदा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कम पहला मंदिर है सर, इतना जो है लोशवा करने का, और यहाँ पर जो अंदर का मंदिर में काम करते हैं बिल्कुल अपने शक्ति भक्ति से काम करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं सर आप? मैं जो आज सुबह में इस मंदिर को मैं आया था और पूरे ये सुपौल सारे समाज युवा मंडली से मिला, उसमें प्रशांत शेंद्र, उसके बाद दयानंद जायदे और बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर इस मंदिर में निस्वार्थ भावना से दिन रात काम कर रहे हैं, देख के बहुत खुशी नहीं है बल्कि बहुत एक प्रकार का उत्साह और उन पर आदर भी आ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भगवान सुख और शांति दे और निरंतर काम करने का प्रयास दे। आपका नाम सर? डॉक्टर अनिल कुमार सपारे, नारायण उपाला, बैंगलोर।